Us and she's mine. तो मिलते हैं आपसे कुछ घंटों के ब्रेक के बाद। अच्छा क्लासेस करो मिल जाएगी। दुपट्टा जो मेरा था उसको पीको पीको ही कहते हैं। हाँ मैंने पीको पीको मिक्सअप कर दे थी उसको पीको ना है। जो उसने पजामा जो मेरा ट्राउजर सिया था वो थोड़ा सा लूज सिया था किसी और खातून के साइज़ का, तो उसको अपने साइज़ का करवाना है। और एक अनार लेना है क्योंकि कल मेरी अवतार है बाहर, तो मैं चाह रही हूँ मैं कुछ एक डिफरेंट चीज़ बना के लेके जाऊँ। तो बहन मेहनत करेगी एंड आई डोंट नो इफ आई अचीव दैट मेहनत या वो डिश जैसे होती है, बट ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो उसके लिए मुझे अनार की ज़रूरत है, तो अनार ले लूँगी, वो नीचे से मिल जाएगा। बाकी लस्सी वगैरह सहरी के लिए सारी चीज़ें मैंने पहले से बना के जा रही हूँ। अब आऊँगी टेलर के पास और फिर नमाज वगैरह पढ़ूंगी। हो जाइए और मरवा आइए। आराम से काट ना लें, ऐसे तो नहीं काटती, बट वी हैव टू बी केयरफुल ना। मम्मी आपके फ्रेंड्स आए हैं, से हेलो। आप खेल क्यों नहीं ले हो बेबी? देखो ना इतनी प्यारी प्यारी आपके फ्रेंड्स आई हैं। आज आमना नहीं आई है, सो आमना इज मिसिंग इन दिस व्लॉग। चमो 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 चमो। और शिमी के दोस्त आए थे और शिमी छुप गई थी। बहुत बदतमीजी की बात है शिमी, बहुत बदतमीजी की बात है। खैर एनीवेज चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, सो सी यू बट छोटे से ब्रेक के बाद। और मैं टेलर के पास से आ गई और टेलर ने मेरे कपड़े बहुत अच्छे सिए। थैंक यू तालिब भाई, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि ट्राउजर खराब हुआ था तो मुझे डर लग रहा था। तो ये मेरे ईद का ट्राउजर है, अब बिल्कुल सही है। और ये शर्ट जो थोड़ी सी यहाँ से ख़राब थी वो इन्होंने सही कर दी। बाकी ये थोड़ा सा फैब्रिक ही अकड़ा हुआ है क्योंकि ये बेसिकली ट्राउज़र का कपड़ा है। मैंने इसमें थोड़ा सा एक दाग आ गया था, मैंने कहा चलो इसको भी ना शर्ट बना लेती हूँ, घर पे पहन लूँगी जुम्मे वाले दिन। तो जुम्मा तो आज गुजर गया था तो अभी लेने गई तो बहुत अच्छी फिटिंग है मेरे। बाकी मैं अपने ईद के कपड़े अभी नहीं दिखाऊँगी, कलर तो पता चल गया होगा बट दैट इज़ सरप्राइज, क्योंकि जब मैं ईद में पहनूँगी, ईद पे जब पहनूंगी तो दिखाऊंगी, तब पता चलेगा कैसे। तो खैर बहुत अच्छा है सूट से मैं आजकल तो चल रहा है वैसा। खैर एनी वेज चेंज करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ और मुझे कुछ किचन में कुछ यू नो प्रैक्टिस करनी है कुछ चीज़ बनाने की, क्योंकि कल मुझे इफ्तार पे लेके जाना है। तो उससे पहले अभी रोज़े में नहीं हूँ तो मैं ट्राई भी कर सकती हूँ, टेस्ट भी कर सकती हूँ कि उसमें नमक मसाला मिर्च सब सही है या नहीं। तो लेट्स गो। बस मैं खाना खाने बैठी हूँ और जो मैं किचन में प्रैक्टिस कर रही थी, एक्चुअली मैं ना कटोरी चाट बनाना चाहती थी, तो उसकी जो कटोरी मैदे की बनती है ना वो बनाना चाहती थी। कटोरी शेप नहीं आई, दूसरी शेप कोई आ रही थी जिसमें मैं फिर फिलिंग नहीं कर सकती थी, तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। तो मैं वापस थोड़ी देर में ट्राई करूँगी। अब वो वरना क्रिस्प बहुत अच्छा है और टेस्ट कर रहे हैं ना कटोरी का, वो भी मज़े का, मैदा का मतलब मिक्सचर अच्छा बना है, बैटर अच्छा बना है, मतलब थिंक इज वो कटोरी शेप में नहीं आ रहा, तो इसलिए दैट्स दी बैड लक। तो मैं भी थोड़ी देर में फिर ट्राई करती हूँ, मुझे बहुत भूख लग गई थी तो मैंने सोचा मैं खाना खाऊँ। और ये धुआँ देखें बिरयानी का, देख रहे हैं। फिर खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं कल। अब मैं ट्राई करूँगी, अभी क्योंकि देर हो गई है। सुबह उठते सब मेरी प्रैक्टिस कचौड़ी वाले शुरू, यहाँ पे हो रहा है ऑयल गर्म और यहाँ पे मेरा बैटर है तैयार। अल्लाह करे, और अनफॉर्चुनेटली मेरा मैदा हो गया ख़त्म, तो जितना मैदा था मैंने डाल दिया, तब देखते हैं कितनी कटोरियाँ बनती हैं। बाकी जितनी बनेंगी तो सही, फिर मैं मिक्स करके चाट जैसे बनाते बंदा वैसे कर लेगा। और यहाँ पे मैं कचौड़ियाँ बना के रखूँगी। तो ये सब चीज़ें हैं, अल्लाह करे मेरी मेहनत रंग लेके आए जो मैं कल से कर रही हूँ। कि आपने कहा मेरी आँखें नींद में, आप छुट्टी का दिन है तो बस नींद ही आती रहती है। ये सब चीज़ें बनाते हैं और फिर आपको एंड में बताऊँगी कि मैं
ने अचीव किया अपना एम या नहीं. सो विश मी गुड लक गाइस. ये बन गई हमारी कामयाबी की निशानी. आई एम सो हैप्पी. तो जो मैं चाह रही थी वो हो गया. एंड इट्स डन. और मैंने सारी चीजें हाफ डन है. अब उनको फुल डन करने का टाइम आ गया. किधर ये दही को फेंटते उसमें थोड़ी सी चीनी डालते हैं. ये इमली है. इमली कह रही हूँ, इट्स मतलब इमली की चटनी है. ये रायता और पुदीने की चटनी है. ये लेमन है, चाट मसाला है. और ये मैंने छोटे छोटे कंटेनर्स निकाले हैं ताकि इसमें मैं पैक कर दूंगी, क्योंकि मैं अभी नहीं डाल सकती वरना मेरी कचौड़ियाँ जो बनाई है, कटोरी नॉट कचौड़ी, कटोरी जो ये बनाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये फिर सॉगी हो जाएगी. ये देखिए अभी भी क्रिस्पी, वेरी नाइस. सी तो क्रिस्पी ना हो जाए, सॉरी सॉगी ना हो जाए, तो इसलिए मैं ये सारी चटनीज बना के लेके जाऊंगी. और जो छोले हैं उसमें प्याज टमाटर हरी मिर्ची ये डाल दूंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो सब करती हैं और फिर आपको दिखाते हैं. तो जी ये मेरी अफ्तार तैयार हो गई. इतना सारा बड़ा थैला और मैं भी हो गई हूँ तैयार. तो बस अब इसको उठाते हैं और चलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो रहा है. तो मिलते हैं आपसे कुछ घंटों के ब्रेक के बाद. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम होम और बहुत मजा आया अफ्तार में. बहुत मजे का खाना खाना था. मेरी कटोरी चाट भी सबको बहुत अच्छी लगी. तो मेरा जो मतलब एम था वो भी पास हुआ और बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत रंग लेके आई. बाकी वहाँ पे खाओ से बहुत मजे के थे. तो बाबा जी ने बहुत मजे के बनाए हुए थे और मज़ा आया. और इसी के साथ बस अब मैं चेंज करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ ईशा की, कल की मतलब सहरी के लिए इंतज़ाम करती हूँ. और इसी के साथ बस आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ. उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा. जो जो मेरे चैनल पर नए गाइस प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर वीडियो फिर आपको फ़ौरन पता चल जाए, फ़ौरन आप देख लें. सो या सी यू इंशाल्लाह वेरी सून इन न्यू ब्लॉग. जब तक के लिए.